की इस वीडियो में मैंने बताया है अपने मोबाइल को कैसे नए जैसा बना सकते हैं फास्ट। जैसा फोन आपका नए में चलता था उस तरीके से अपने फोन को फास्ट बना पाएंगे, बेहतर बना पाएंगे। कैसे, तो देखिए मैं आपको दो तीन सेटिंग आपको बताऊंगा। एक पहला मैं दिखा दूं, ये रैम एक्सपेंशन, रैम आप अपने मोबाइल का बढ़ा करके फास्ट कर पाएंगे। दूसरा, आपके मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसिंग होता है बैकग्राउंड प्रोसेस में, कुछ ऐप को लिमिट करके, कुछ सॉफ्टवेयर को लिमिट करके, कुछ मोबाइल को ट्रिक करके आप अपने मोबाइल को बेहतर बना सकते हैं। जैसा आपका नए में फ़ोन आपने ख़रीदा था ना, उस तरह से आपका काम चलेगा। देखिए रैम मुझे बढ़ाना है, मैं ये चालू करूँगा और ये रैम को मैं बढ़ा पाऊँगा, ठीक है ना, 8 GB तक बढ़ा सकता हूँ। और ये झूठ नहीं है, कोई ऐप की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल रियल है और सच है, ठीक है ना। अब ये मैंने सेटिंग कहाँ से लाया, कैसे आप अपने फ़ोन में बढ़ा पाओगे रैम को, वो सब जानकारी मिलेगी, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, ठीक है ना। और मोबाइल के अंदर जो है ना, ये सबके लिए जरूरी है, क्योंकि यार देखो मोबाइल जब स्लो चलने लगता है ना, तो हर कोई सोचता है भाई अब मुझे नए फ़ोन लेना है, पुराने फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुराना फ़ोन हैंग करने लगा या ख़राब हो गया पहले से, ये सब सोचने लगते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे हैं ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे। और कमेंट में लिख देना है रैम बढ़ाए, या तो आप कमेंट में लिख दीजिए मोबाइल को नए जैसा बनाएं, ये कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और आपके पास कौन सा मॉडल है, रियलमी, ओप्पो, वीवो, वो हमें कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपके फ़ोन के ऊपर स्पेशल वीडियो और बना पाऊँ, तो आप अपना मॉडल नंबर कमेंट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं ये सेटिंग आखिर कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले रैम बढ़ाने की बात में बताता हूँ, और रैम ये कैसे बढ़ता है, कहाँ से आता है रैम, वो भी पता चलेगा। फ़ायदा नुकसान, नुकसान तो कुछ नहीं है, फ़ायदा ही है, वो बताते हैं। मोबाइल के मैं सेटिंग में आ गया, सेटिंग में आने के बाद अबाउट सेक्शन में जाइए। अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे रैम दिख रहा है, दिख रहा है ना रैम। आप MI का मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा रैम बढ़ाने वाला फीचर, वो दूसरे जगह मिलेगा, मैं आपको वो बताऊँगा। लेकिन आपके पास रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग आपको लगभग यहीं पर मिलता है, यहीं पर देता है ये सेटिंग वाला, नहीं तो मैं बताता हूँ आगे कैसे करेंगे। अब देखिए इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे रैम बढ़ाना है। सबसे पहला काम करना है चालू करना है ये रैम एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना, रैम क्या है आपको तो पता ही है। तो अब देखिए ये रैम बढ़ तो गया, ये 4 GB अभी बढ़ा है, मुझे अगर 6 GB बढ़ाना है तो ऐसे करना पड़ेगा। अब मेरे मोबाइल का 6 GB रैम बढ़ गया है, मेरे फ़ोन के अंदर अगर 4 GB रैम था शुरू से, तो अब 6, 4, 10 GB बढ़ गया। 10 GB, 6 GB आया कहाँ से, आसमान से आया क्या? और आया तो कंपनी ने क्यों नहीं बताया पहले कि हमारे फ़ोन के अंदर रैम पड़ा हुआ है, उसको बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये देखिए आपके मोबाइल के अंदर जो रैम होता है ना, और जो मोबाइल का स्टोरेज होता है, एक होता है रैम होता है 4 GB, 8 GB, 6 GB, 12 GB का रैम होता है, और मोबाइल का स्टोरेज कितना होता है 64 GB, 32 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB। अब देखिए आपके मोबाइल के अंदर जो रैम होता है ना, वो इंटरनल स्टोरेज जो 256 GB, 128 GB देता है ना, उससे 20 गुना फास्ट होता है रैम, क्योंकि रैम में सारा कैलकुलेशन होता है, सारा ऐप जो आप रन करते हैं, जो गेम खेलते हैं, वो सब प्रोसेसिंग जो है वो रैम में होता है। मोबाइल का स्टोरेज क्या करता है, वो चीज़ों को रखने का काम करता है। तो वही जब देखिए आपके फ़ोन के अंदर रैम जो 4 GB का है, अब गेम रखे हो, ऐप रखे हो, बहुत सारा गेम खेलते हो, तो वो प्रोसेसिंग में कम हो जाता है ना 4 GB रैम, इस वजह से आपका फ़ोन स्लो चलने लगता है, या तो गेम नहीं खेलते हैं मैं मान लेता हूँ, तो आपके फ़ोन के अंदर जो ऐप होते हैं ना, वो भी इंस्टाग्राम भी खाता है रैम बहुत यार, 1-2 GB तो ऐसे वो खा जाता है रैम, जब आप बंद करते हो तभी वो रैम यूजिंग कम करता है। तो अब देखिए यहाँ पे करता क्या, ये जो रैम एक्सपेंशन आपने किया है, ये आपके इंटरनल स्टोरेज से ले लेता है। अगर आपका 256 GB का है या 128 GB का है, तो वहाँ से 8 GB अगर मैं रैम बढ़ा दूंगा, देखिए हाँ 8 GB बढ़ गया, 8 GB है ना, अब देख लो, तो 8 GB माइनस हो जाएगा 128 GB से, अब मेरे फ़ोन के अंदर 120 GB रहेगा। तो आखिर ये कैसे काम करेगा, आखिर वो तो फास्ट है, ये कैसे काम करेगा उस रैम में सटने के बाद, तो देखिए उसमें अटैच होने के बाद ये काम कैसे करता है। जो फास्ट वाला प्रोसेसिंग वाला काम होता है वो मेन रैम के अंदर काम करता है, जो कि 20 गुना फास्ट होता है या 10 गुना फास्ट होता है, और जो यहाँ पे जो हमने ये रैम बढ़ाया उसके अंदर जो ऐप को रुका हुआ बैकग्राउंड में रहना होता है या रन करना होता है, वो कैलकुलेशन इस रैम के अंदर चला जाता है, ये जो एक्सपेंड हमने किया है। तो यहाँ पे मोबाइल को जगह मिल जाता है ज़्यादा, और आपका
मोबाइल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस फ़र्क पड़ता है कि आपके मोबाइल का स्टोरेज कम हो जाता है। 4GB बढ़ाएंगे तो 4GB स्टोरेज कम होगा। मेरा 8GB का रैम है, मुझे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका आपके फ़ोन के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो आप 4GB बढ़ा सकते हैं। 8GB बढ़ाने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि 4GB पहले से 8/12GB का रैम हो गया, तो 6GB रैम 8GB रैम पबजी फ्री फायर इसको कवर करने के लिए काफ़ी है। आप समझ गए होंगे ये रैम का बढ़ना और आपके मोबाइल पे कैसे फ़र्क डालता है मोबाइल के परफॉर्मेंस पे। बहुत ही अच्छे से आपका मोबाइल फास्ट चलेगा और बिल्कुल नए जैसा काम करेगा। अब दूसरी सेटिंग, ये तो आपने कर लिया और मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, ठीक है ना। खैर मुझे यहाँ पे नींद नहीं है, मैंने इसको कम कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सेटिंग क्या करना है, वो आपके अबाउट सेक्शन में ही एक सेटिंग मिलता है दोस्तों, वो है वर्जन। वर्जन पे क्लिक करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा वर्जन, इस पे क्लिक करेंगे 4-5 बार, ये लॉक मांगेगा। आपके मोबाइल के अंदर जो आपने लॉक लगाया है ना वही लॉक मांगता है। यू आर नाउ ए डेवलपर, ये लिखा हुआ आ गया। बैक करिए, बैक करिए। अब यहाँ पे सर्च करिए डेवलपर, डेवलपर आ गया ना, तो डेवलपर आपको नीचे सर्च करना पड़ेगा, हो सकता है आपका दूसरे नंबर में आ जाए डेवलपर। मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, थोड़ा सा ही लिखा, इसलिए ये नीचे आया, DEV डेवलपर आ गया। और ऐसे अगर नहीं मिलता है तो नीचे करिएगा, एडिशनल सेटिंग में जाइएगा, फिर नीचे करिएगा और ये आपका डेवलपर ऑप्शन आ गया। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे करना है स्क्रॉल, और यहाँ पर नीचे करिए। सबसे नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, सबसे नीचे आ जाइए उसके बाद ऊपर। फालतू सेटिंग को यहाँ पे मत छेड़िएगा, नहीं तो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम हो जाएगा। ये देखिए बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, अब यहाँ पे जो है ना इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एट मोस्ट 3 प्रोसेस को कर देना है। 3 रखते हैं ना बहुत अच्छा होता है, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट 3 कर देना है। आपका मोबाइल देखिए बिल्कुल फास्ट चलेगा, अच्छा चलेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें देखिए होता क्या है, जो आपके मोबाइल के अंदर बैकग्राउंड में ऐप चलते रहता है ना वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग लिमिट हमने कर दिया है ना इस वजह से। तो ये सेटिंग सभी मोबाइल के अंदर पॉसिबल है और आसानी तरीके से आप कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको करना पड़ेगा दोस्तों, आपको आपको दोस्तों एक ऐप चाहिए होगा, वो ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। ये दोनों सेटिंग करने के बाद इस पर आ जाइएगा, ये फ्री बिल्कुल आपको ऐप मिल जाएगा, और इसको कंटिन्यू करिए और ये ओके सेव कर देना है। ये देखिए सिलेक्ट आया और ये क्लीन आया, सिलेक्ट आपको कर देना है। और ये मैंने स्टोरेज को सिलेक्ट कर दिया, कोई फोल्डर आपको सिलेक्ट कर देना है, यूज दिस फोल्डर। और ये चीज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ बस आपको क्लीन कर देना है, ठीक है ना, क्लीन। और ये देखिए सेकेंड ले रहा है इनिशियल, अच्छा ये एड 1-2 शो होगा, उसके बाद आइए आपका क्लीन हो जाएगा ये फोल्डर। आपके फ़ोन के अंदर जो खाली फोल्डर होता है, जो कि जहाँ पे फालतू के डाटा पड़े होते हैं, जिस वजह से फ़ोन को बस लोड आपके फ़ोन के ऊपर रहता है, वो यहाँ से कम हो जाता है। तो ये चीज़ का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, और एम्प्टी फोल्डर को क्लीन करके ऐड आएगा तो ऐड को कट कर दीजिएगा। और ये देखिए आपका ये क्लीन आपको कर देना है, नो एम्प्टी सब फोल्डर। फिर आपको सिलेक्ट करके एक बार चेक कर लीजिएगा और ये आपका इस तरह से क्लीन हो जाएगा जो फालतू का फोल्डर रहेगा, ठीक है ना। तो इस ऐप का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बस आपको स्कैन करके क्लीन कर लेना है ये सारे फोल्डर को, बस आपका काम हो गया। तो आपको दोस्तों ये जो भी वीडियो देख रहे थे, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे, और कमेंट में लिख देना है मोबाइल फास्ट करें, आपको लिख देना है मोबाइल फास्ट करें, या मोबाइल को मोबाइल का रैम बढ़ाइए, या कमेंट में लिख सकते हैं। और आपके पास जो फ़ोन है ना वो भी लिख देना है कमेंट में, फ़ोन का नाम। थैंक यू, मिलते हैं आगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय।